हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। सुशांत सिंह राजपूत इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसको आज भी लोग बेहद याद करते हैं। उनके फैन पेज पर आज भी उनको जस्टिस दिलाने की बात करते हैं उनके फैन। 14 जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत का 34 साल की उम्र में निधन हो गया। वो मुंबई के अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। देश की तीन बड़ी एजेंसियां CBI, NCB और ED सुशांत डेथ केस में इन्वॉल्व है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि एक्टर की मौत हुई कैसे। तो वहीं अब फिल्म मेकर अभिषेक कपूर ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ बातों को एक इंटरव्यू के दौरान शेयर किया है। आपको बता दें, अभिषेक कपूर ने उनके साथ दो फिल्मों पर काम किया था, पहले काय पोछे और फिर केदारनाथ। अब एक हालिया इंटरव्यू अभिषेक कपूर का काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत डिस्टर्ब थे। दरअसल हालिया एक इंटरव्यू में अभिषेक ने कहा, सुशांत उन दिनों काफी डिस्टर्ब रहता था, मैं उसे अच्छे से जानता था, वो मेंटली और फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग इंसान था, कुछ भी झेल सकता था, पर उस वक्त उसे लेकर कई तरह के ब्लाइंड आर्टिकल चल रहे थे, जिन्हें पढ़कर वो काफी अकेला और हेल्पलेस फील कर रहा था। आगे इसे इंटरव्यू में अभिषेक ने कहा कि उन्होंने सुशांत के साथ काय पोछे में काम किया, जिसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। अभिषेक कपूर ने कहा, मुझे याद है जब मैं काय पोछे के लिए ऑडिशन कर रहा था, तब सुशांत काफी ओवरवेट था। मैंने उसे एक अमेरिकन एक्टर की फोटो दिखाकर कहा कि तुम्हें ऐसा दिखना होगा, क्योंकि तुम फिल्म में क्रिकेटर का रोल प्ले कर रहे हो। सुशांत ज्यादा बोलता नहीं था, उसने सिर्फ जी सर कहा, और महज 3 महीनों के अंदर अपने हार्ड वर्क से उसने वो लुक अचीव किया, वो भी सुबह 6 बजे क्रिकेट प्रैक्टिस करके और फिर जिम ट्रेनिंग लेकर। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को।